अणुव्रतों में देव पूजा गुरुपास्ती मुख कहा गया है। देवता की पूजा षट आवश्यक क्रियाएं कही गई हैं, उसमें देव पूजा गुरुपास्ती संयम तप ध्यान और संयम, इस प्रकार से देव पूजा मुख कहा गया है। जो भव्य जीव भगवान जिनेन्द्र के दिव्य अभिषेक को करता है, वह जीव जो दूध दही सुगंधित जल आदि से, केसर युक्त आदि जल से भगवान जिनेन्द्र के अभिषेक को प्राप्त होता है। अब भैया ऐसा नहीं बोलना कि महाराज जी 20 पंद की पुष्टि कर रहे हैं, 13 पंद की पुष्टि कर रहे हैं। जो पदम पुराण ग्रंथ जी में आचार्य रविशरण स्वामी लिखा है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरा अपने इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए जिसको 13 पंद सुहाता है वो 13 पंद से करना, जिसको 20 पंद सुहाता है वो 20 पंद से करना, क्योंकि हमारे पास दोनों विधियाँ हैं। कल वो मानी दीदी से भी ये चर्चा हो रही थी मेरी, वो बोली ग्रंथ बताने पर भी लोग नहीं मानते, तो मैंने कहा मानने दो, अपने को क्या विकल्प है, हमारे पास तो दोनों विधियाँ हैं। आगम में 20 पंद का पग पग पे उल्लेख मिलेगा आपको, पेज पेज पे उल्लेख मिलेगा 20 पंद की पूजन का, अभिषेक का, पंचामृत अभिषेक का, हर चीज का उल्लेख मिलेगा। और अभी मैं पद्म पुराण से आपको सुना भी देता हूँ। परंतु निक्षेप की व्यवस्था भी हमारे यहाँ है, जिस जीव को 20 पंथी आमनाएं से अथवा दूध दही आदि से नहीं सुहाता है तो आपके लिए व्यवस्था दूसरी की गई है। उन्होंने कहा है जैसे द्रव्य निक्षेप से हम भगवान की प्रतिमा बिठा करके उनको परमात्मा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बताओ सावला जी, राजेश जी, भगवान की प्रतिमा आपने बिठाई वो भगवान है क्या? द्रव्य निक्षेप से वही भगवान है, निक्षेप से उनके गुणों का हमने उस प्रतिमा में आरोपण किया है इसलिए वे भगवान हैं। इसी प्रकार से जो फल फूल आदि सुगंधित द्रव्य और प्राशुक द्रव्य लेकर के पूजन कर सकते हैं उनके लिए श्रेष्ठ करना ही चाहिए, परंतु जिनको फूल पत्ती आदि में विकल्प है, व्यंजन आदि बनाने में विकल्प है अथवा चढ़ाने में विकल्प है, उन लोगों के लिए कहा है कि आप सूखी द्रव को भी निक्षेप के माध्यम से वह अष्ट द्रव बना सकते हैं। जिसको दूध दही के अभिषेक में विकल्प है वो जल को भी गंगा सिंधु आदि का जल रूप परिणमित करके उससे जल का जल द्वारा अभिषेक कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप का कथन भी किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो भव्य जीव अपन जान तो लो, करना जो है सो करना, पर जान तो लो कि आगम की क्या व्यवस्था है। कम से कम जो 20 पंथी आमना से पूजन करते हैं ये 13 पंथी उनको मिथ्या दृष्टि तो नहीं कहेंगे, अथवा जो 13 पंथी आमना से पूजन करते हैं उनको कम से कम ये 20 पंथी मिथ्या दृष्टि तो नहीं कहेंगे। अभी तो एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहते रहते हो, आप लोग 13 पंथियों को मिथ्या दृष्टि बोलोगे, वो बोलेंगे तुम लोग सूखे हो। हमारे संघ में दो व्यक्ति थे, डॉक्टर हर्षवर्धन मेहता पूर्ण गीले शुद्ध 20 पंथी कट्टर, और बड्डे दादा बेशुद्ध 13 पंथी कट्टर, दोनों एक कमरे में रहते थे। ऐसा सामंजस्य होना चाहिए, दोनों एक कमरे में रहते थे, एक साथ पूजन करते थे, एक सूखी द्रव से करता था एक गीली द्रव से करता था, दोनों अपने अपने पक्ष में अडिग, और दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते भी थे। डॉक्टर साहब थोड़े वजनदार थे, वो बड्डे थोड़े सूख गए थे, तो बोलते तुम सूखी चढ़ा चढ़ा के तुम सूखते चले जा रहे हो, हमें देखो हम हरी भरी चढ़ा रहे हैं तो हरे भरे हो रहे हैं, ऐसा चिढ़ाते रहते थे एक दूसरे को, लेकिन इस बात को लेकर के भी कभी विषमवाद नहीं करते थे। अपने को भी सीख लेना चाहिए, जहां जिस क्षेत्र की जो परंपरा है उस परंपरा में हस्तक्षेप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि हमारे पास दोनों ही विधियां हैं। आगम में 20 पंथी आमना से भी पूजन पद्धति को कहा गया है, आगम में निक्षेप से भी पूजन को कहा गया है, लेकिन आपकी तो पूजन निक्षेप की भी नहीं होती है, क्योंकि आप तो स्थापना करते ही नहीं हो, करते हो क्या? आपने द्रव नहीं करते हो, आपने द्रव नहीं करते हो, हम बता तो रहे हैं। आपने द्रव में थाली धोई, वो द्रव धोई थाली में, द्रव लगाई और पूजन शुरू कर दी, आपने भी निक्षेप कहाँ किया? हाँ, अभी आपने स्थापना कहाँ की? ठोने में तो किसकी स्थापना करते हो आप? ठोने में किसकी स्थापना करते हो? भगवान का, भगवान को स्थान देते हो आप ठोने में, ना कि द्रव को। द्रव की आपने स्थापना कहाँ की? थाली में जब आप द्रव लगा लेते हो तब थोड़े से पुष्प लेना चाहिए, अब से करना, थोड़े से पुष्प लेना चाहिए, पुष्प लेकर के सभी द्रव्यों के ऊपर क्षेपण करने के लिए, जलम स्थापय स्थापय, चंदनम स्थापय स्थापय,
अक्षतम स्थापय स्थापय, पुष्पम स्थापय स्थापय, ऐसे एक एक द्रव्य की स्थापना करो, तब तो तुम्हारा स्थापना निक्षेप का द्रव्य बनेगा। भगवान की प्रतिमा जाती है, करते हो क्या? अब बोलो, बड़े उससे बोल रहे थे करते हैं हम तो। अभी भगवान की प्रतिमा बन के आ गई जयपुर से, आप पूछने लगते हो? नहीं पूछते ना, पहले पंचकरणक प्रतिष्ठा होती है तब पूछते हो। ऐसे ही जब तक आपने उसको निक्षेप ही नहीं दिया तो आपकी अष्टद्रव्य है ही नहीं। इसलिए अब आगे से ध्यान रखना, पहले उसकी स्थापना करो, अष्टद्रव्य स्थापय स्थापय, इतना करने भी काम चल जाएगा। एक एक द्रव्य की स्थापना करो, पुष्प बनाओ, जल बनाओ, चंदन बनाओ, उनकी स्थापना करो, तब आपकी स्थापना निक्षेप की पूजन होगी। ये कोई नहीं बताता, सब बता दे सू की द्रव्य से पूजा चढ़ाओ, गोला चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, सब बता जाएंगे। ये नहीं बताएंगे कि द्रव्य की स्थापना तो करो पहले, नहीं तो तुम्हारी स्थापना भी निक्षेप नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से इस विधि का भी आचार्य भगवान ने भरत को वर्णन किया, भाई मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा जो जीव भव्य जिनेन्द्र भगवान का दूध घृत आदि उत्कृष्ट उत्कृष्ट सुगंधित द्रव्यों से भगवान का अभिषेक करता है, वह कालांतर में जगह जगह स्थान स्थान पर पाद प्रक्षालन और अभिषेक को प्राप्त होता है। जब से हमने ये पढ़ा ना, जो मुख्य मुख्य चीज हम बता दे रहे, जो जो जीव अब चल रहे कहां पहुंचे थे? हाँ, तो हम सोचते जब आप लोग पाद प्रक्षालन करते हो, जब वो आप लोग द्रव्य से पूजन करते हो, हम सोचते हैं हमने काल पूर्व पर्याय में भगवान की खूब अच्छी अच्छी उत्कृष्ट उत्कृष्ट दिव्यों से खूब अभिषेक, हमने तो खैर इस पर्याय में भी खूब किया है, वजनदारी से अच्छा खूब घर से नहलाते थे भगवान को, बड़ी आनंद आता था, अपनी यहाँ नहीं लाते थे, लेकिन हमारे तेरापंथी वाला कार्यक्रम था तो हम भी तेरापंथी थे कट्टर, वहाँ कुछ नहीं चढ़ाते थे। पर महाराष्ट्र में जाते थे घातकुली वो कचनेर उधर जाते थे तो वहाँ अच्छा बढ़िया आम रस से भगवान को नहलाते थे, दाढ़िम रस से भगवान को नहलाते थे, और घृत से दही से मट्टे सबसे भगवान को खूब नहलाते, बड़ा आनंद आता था, अच्छा लगता था। पर वहीं करते थे, घर पे आके नहीं करते थे, घर पे आके शुद्ध तेरा पंथी। तो जहाँ की जैसी व्यवस्था है अपन तो अपने कहा है भगवान जाने, भगवान जाने और सब जाने, अपने को क्या, अपने को तो आनंद आना चाहिए, तो आनंद लेते थे उसको करके। तो हम सोचते हैं कि भगवान की खूब हमने अच्छी वंदना करी हो, खूब भगवान का अभिषेक वगैरह किया होगा, इसलिए तो आज ही पाद प्रक्षालन हो रहे हैं अपने। अच्छी अच्छी द्रव्य से पूजन करते थे, काजू किशमिश चिरौंजी मिरौंजी इलायची विलायची बढ़िया डाल डाल के, कचनेर गए थे तो अच्छी बढ़िया अनार के दाने मिलाए द्रव्य में, अनार के दाने मिलाकर अंगूर के दाने मिलाए, ऐसी अच्छी बढ़िया पूजन करी थी, तो आज बढ़िया पूज्यता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान की पूजन करने से पूज्यता को प्राप्त होते हैं, भगवान का प्रक्षालन करने से अभिषेक को प्राप्त होता है जीव। और आगे बोलते हैं, पुष्प सुकोमल सुगंधित और मनमोहक पुष्पों से जो भगवान की अर्चना करता है, वह कोमल शरीर कोमल देह को प्राप्त होता है, और पुष्पक जैसे विमानों में जाकर के वह देव बनता है। पढ़ लेना पद्म पुराण में लिखा है, दीप दय दीप्तिमान। अब लोगों को बड़ा विकल्प होता है, भैया सोनू भैया रिंकू भैया, लोगों को बड़ा विकल्प होता है, 1008 दीपों से आरती हो रही है, 108 दीपों से आरती हो रही है, 6-6, 8-8 रसगुल्ला सूंत जाते हो तब नहीं समझ में आता, किलो किलो भर मिठाई सूंत जाते हो तब नहीं समझ में आता कि पेट में जाके मल बन जाएगी। भगवान की आरती में घी दिख रहा है, बत्ती दिख रही है, दीपक दिख रहे हैं। जहाँ पुण्य होगा, जहाँ धर्म होगा, जहाँ पाप का क्षय होगा, वहाँ तुम्हें संख्या दिखाई देती है। और होटल पे बैठ के लाखों करोड़ों बर्बाद कराते हो तब तुम्हें संख्या नहीं दिखाई देती। एक एक दिन होटलिंग करने जाते हो, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये निपटा के जाते हो, क्या बनेगा उसका? सुबह जाओगे संडा से में छोड़ाओगे 10,000 रुपया, तब नहीं लगता कि हम चटकारा लगा लगा के पाव भाजी सूंघते जा रहे हैं, चटकारा लगा के पिज्जा सूंघते जा रहे हैं, बर्गर सूंघते जा रहे हैं। घंटे बर्बाद क्या, मुंह में गया मल हो गया, आपके हजारों रुपए की बर्बादी हो गई, मल बन गया। भगवान जिनेन्द्र की अर्चना दिव्य वस्त्रों से दिव्य वर्तनों से दिव्य द्रव्य से करोगे, कर्मों का क्षय हो गया, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए।
भगवान की पूजन कभी फटे चिथे वस्त्रों में नहीं करना चाहिए। ऐसे दरिद्री टाइप के लोग दिखते हैं भैया, अखिलेश भैया क्या बताएं, मतलब बिटिया का ब्याह होगा तो 50,000 की साड़ी खरीद के लाएंगी हमारी अम्मा, और भगवान की अर्चना करने जाएंगी तो ऐसी पुरानी कहीं की रखी रखाई साड़ी जिसमें बहुत सारी गुड़ी पड़ी हूँ, ऐसी साड़ी पहन के जाएंगी। और आप लोग भी कम थोड़े ही हो, मैं मंदिर के वस्त्रों के भरोसे ही बैठे रहते हो। माली ने महीनों से सालों से वस्त्रों को स्वच्छ नहीं किया है, पानी में डाला निचोड़ कर टांग दिया है, मेल ऐसे हाथ लगा दो तो मेल हाथ में जाए, ऐसे वे वस्त्र हैं, उनसे भगवान की पूजन करते हो तुम लोग। अरे भगवान जिनेंद्र की पूजन उत्सव है, त्योहार है, तो भगवान जिनेंद्र की पूजन करो, अपने आप को सुशोभित करो, सुसज्जित करो। जो रत्न जो ज्वेलरी आप कहीं ना पहनती हो, जब भगवान की पूजन करने जाओ अपने आप को सुसज्जित करो, पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं, नहीं तो बाजू वाले देख देख मैं आज ये पहन के आई हूँ, तू ऐसे ही आ गई, इसमें तो पाप बन जाएगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना पड़ता। अरे भगवान जिनेंद्र की पूजन दिव्य वस्त्र पहन कर की जाती है, दिव्य आभूषणों से युक्त होकर के। सौधर्म इंद्र पहले अपने आप को सजाता है, फिर भगवान की अर्चना करता है। आप जो नौ अंगों पर तिलक लगाते हो ना, ये क्या है, क्यों लगाते हो, ये नौ अंगों को सुसज्जित करते हो। हे भगवान, ये घड़ी बड़ी जल्दी खिसक जाती है एकदम से, हम देखते हैं 10:05 हुए फिर एकदम से 10:20 हो जाते हैं। चलो भैया, तो जो जीव दिव्य पुष्पों से भगवान की अर्चना करता है, उनके ऊपर दिव्य पुष्पों को देता है, समर्पित करता है, वह जीव कोमल शरीर का धारक होता है और पुष्पक आदि विमानों में जाकर के वह देव पद को प्राप्त होता है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट घृत के दीपों को से जो जीव आरती करता है भगवान की, वह दैदीप्तिमान कांति और यश को प्राप्त होता है। जो जीव सुगंधित धूप दशांगी होती है, अगर तगर कपूर छेल छबीला चंदन आदि आदि मिलकर के 10 पदार्थ मिलकर के धूप बनती है, इसलिए उसका नाम दशांगी धूप है। भैया पर्यूषण आएंगे, कहाँ गए हमारे अनिल जी, पर्यूषण आएंगे तो धूप खेने के लिए, आपके खेते हैं कि नहीं खेते, धूप खेते हैं तो चढ़ाते हैं कि कुंडे में खेते हैं, वैसे पहले की परंपरा खेने की थी, अब चढ़ाने की हो गई है, धूप खेई जाती है, चढ़ाई नहीं जाती है, धूप को खेते हैं, मतलब अग्नि में दहन करते हैं धूप को। अब चलो सुनो, अरे तुम जो करना जी विकल्प नहीं पड़ना, खेने हैं कि चढ़ाने हैं, तुम्हारे यहाँ जो परंपरा है हम तो सब में संतुष्ट हैं, धूप तो चढ़े चाहे खेओ चाहे चढ़ाओ। तो धूप बाजार की खरीद के मत लाना, 10 सामग्री मंगाना, हमसे नाम लिखवा लेना, 10 सामग्री लिखवाना, उन सामग्रियों को बाजार से खरीद के लाना, उनको प्राशुक करना, और प्राशुक करके धूप से सुखाना, सुखा करके उन 10 वस्तुओं को कूट करके उसकी सुगंधित दशांगी धूप बनाना, और धूप बना करके ये देखो हमारे धूप के रूप में हमारे वरदत्त भैया आ गए। उस धूप को खेने से क्या होता है, तो आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, सुगंधित धूप खेने से जीव को दिव्य और सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है। जिनके पसीने से बदबू आती है ना, उनने धूप नहीं खाई है इसलिए आती। और फल डाब आदि फलों को चढ़ाने, डाब मतलब नारियल, गीला नारियल, सूखा गोला नहीं, डाब का मतलब होता है पानी वाला नारियल, तो डाब आदि फलों को चढ़ाने से निरोगता की प्राप्ति होती है, जीव निरोगी शरीर को धारण करने वाला होता है। भगवान के ऊपर चंदन का लेप करने से दिव्य देह की प्राप्ति होती है, और वह जीव चंदन जैसा सुगंधित प्राप्त करके स्त्रियों का प्रिय होता है। अब जिनको है ना भगवान को लेपना है, और छत्र चमर फानुष यानी वो चंदोबा फानुष ध्वजा आदि को भगवान के ऊपर समर्पित करने से चढ़ाने से लोक में कीर्ति को प्राप्त होता है, यश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर छत्र लगते हैं। ऐसा भगवान, ऐसा उन जिन मंदिर बनवाने का फल बताया कि जो जीव एक छोटी सी राई के बराबर भी जिन प्रतिमा विराजमान करवाता है, जिन मंदिर की स्थापना करता है, वह नियम से भवों भवों में उसने जो संयम किया, तप किया, ध्यान किया, उसके फल को जो जीव प्राप्त होता है उससे असंख्यात गुना फल मात्र जिन बिंब की स्थापना, जिन मंदिर की स्थापना करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान के दर्शन और शावक के कर्तव्यों के बारे में आचार्य भगवंत द्वितीय मुनिराज ने कहा, और साथ ही रात्रि भोजन में जो जीव रात्रि भोजन करता है वो नरकों का गामी होता है, जो
अनछना पानी पीता है वह नरकों का गामी होता है, कष्टों को भोगता है, दरिद्री होता है और अभक्ष फलों को खाता है, अभक्ष वस्तुओं को खाता है, उसका शरीर में निरंतर कई कई प्रकार के रोग लगे रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने श्रावक धर्म और साधु धर्म के गुणों का व्याख्यान किया। इसके बाद वहीं खड़े होकर के तुरंत भरत ने अणुव्रतों को स्वीकार किया और स्वीकार करके उसने प्रण किया कि भगवान मैं आपके चरणों में कटिबद्ध होकर के नियम पूर्वक नियम करता हूँ कि जिस दिन भ्राता रामचंद्र जी का मुझे समागम पुनः प्राप्त हो जाएगा उसी दिन राज वैभव को मैं छोड़ करके और वन को जाकर के दिगंबरी दीक्षा को धारण करूंगा। ऐसा व्रत धारण करके भरत क्या किया उसने, नमोरियंताणम, कल बताएंगे अब, नमोरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोए सब साहूणम। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। कष्ट और विपत्तियां ये कर्म उदय से आती हैं। विपत्तियां का आना ये औदयिक भाव है, ये जीव के पूर्व में संचित कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होती हैं। परंतु उस विपत्ति के काल में उस विपत्ति को भोगना और उस विपत्ति को नहीं भोगना यह है जीव की स्वप्रज्ञा स्वच्छेउसम के ऊपर निर्भर करता है। अनेक अनेक काल में अनेक अनेक भव्य जीवों के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटा, पर जो उन विपत्तियों को विपत्तियों में डालकर और उन विपत्तियों से उनकी जो पीड़ा थी उनसे अपने आप को सुरक्षित करते रहे वे जीव परमात्मा बन गए, वे जीव मोक्ष सुख को प्राप्त कर गए। लेकिन उस विपत्ति के काल में जो जीव अपने परिणामों को नहीं संभल पाए और विपत्ति से बेदित हो गए वे जीव संसार में अब तक परिभ्रमण करते देखे जा रहे हैं, कष्टों को भोगते देखे जा रहे हैं। उत्तम वस्तु उत्तम पात्र को ही प्राप्त होती है और उत्तम पात्र वही है जिसने विपत्ति के काल में अपने आप को संभाल लिया और उस काल में धैर्य धारण कर लिया। ऐसा जीव कर्म का क्षय कर बैठता है और पुण्य का संचय कर लेता है और वही फिर पुण्य कालांतर में उसके लिए सुख को प्रदान करने वाला होता है। रामचंद्र जी उस त्रिकूटाचल पर्वत के समीप बहुत समय तक ठहरे रहे। जब उस पर्वत के निकट और उस पर्वत को उस अटवी को बहुत समय बीत जाने पर उन्होंने पार करने का विचार बनाया कि अब हमें इस स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि एक स्थान पर बैठे बैठे भी उस स्थान से राग हो जाता है, भले ही वह वन क्यों ना हो। और वन तो बहुत रमणीक होता, सुंदर होता है, महीने भर घोड़े के तबेले में, अस्तबल में, भैंसों के तबेले में महीने भर रुक जाओ, उस तबेले से उस अस्तबल से भी राग हो जाता है। यद्यपि वहां पर दुर्गंध युक्त घोड़े की लीत पड़ी हुई है,
भैंसों का गायों का गोबर पड़ा हुआ है, मलमूत्र है, दुर्गंधित है,